अच्छा, बहुत लोग का सपना रहता है कि मैं जाऊँ मुंबई में फिल्म लाइन में काम करूँ, तो क्या आपका भी सपना था? हाँ जी, मेरा बचपन से। तो आपको मतलब काम कैसे मिला? अभी कितना कमा लेते हैं? वही रोजाना 800, 1000, 1200, 1500 ऐसे। अच्छा, मतलब महीने का 25-20 हज़ार? हाँ, मैं फरवरी 6 तारीख को मुंबई आया था, मार्च 6 तारीख को मेरे को काम मिला। मतलब एक महीना तो मैं झेलता रहा, एक महीना बाद काम मिला। हाँ, एक महीना बाद मेरे को काम मिला। अच्छा, एक बात बताइए, सीरियस बात है। हाँ, कि मुंबई में आप आने के बाद में कभी रोए हो? नहीं, रोया था एक दिन। और एक चीज़ है, सीरियल में अगर काम करोगे ना, महीने को पैसा आ जाएगा। हाँ, तभी मेरे को ना बड़ा वेब सीरीज मिल गया था। अच्छा, वेब सीरीज कितना दिन की है? मैं उसमें ना 17 दिन काम किया। 17 दिन? देखिए, नहीं मिला तो नहीं है, क्यों मिला तो 17 दिन कंटिन्यू। 2 दिन पहले मेरे को बोल रहा था सीरियल में फिक्स में रहने के लिए, वही 20-22 हज़ार मिलेगा फिक्स में रह जा। A few moments later. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई न्यू वीडियो। तो दोस्तों, अभी आ चुका हूँ भाई के रूम पे और आज भाई साहब का जर्नी दिखाने वाला हूँ, स्ट्रगल लाइफ दिखाने वाला हूँ कि मुंबई में कैसे आए और कौन कौन इनको सहारा किया और यहाँ पे कैसे आके आज मुंबई में फिल्म लाइन में काम कर रहे हैं। हाँ जी, तो कैसे काम करें सब चीज़ बताने वाले हैं भाई। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो भाई, अब सबसे पहले बताइए कि मुंबई कैसे आए और कब आए, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, कैसे काम मिला, ये सब चीज़ बताइए। हाँ, पहले तो तुम्हारा जितना भी दर्शक है उनको पहले नमस्ते। और मेरा नाम है तनुज, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ, उड़ीसा बहरमपुर का। और मैं अभी फ़िलहाल मुंबई गोरेगांव में, अभी मैं भाई के जो कहना है कि मैं कैसे आया, मेरा स्ट्रगल कैसा रहा, कैसे पिक्चर लाइन में मेरे को काम मिला, ये सब मैं बताऊंगा। अच्छा, बहुत लोग का सपना रहता है कि मैं जाऊं मुंबई में फिल्म लाइन में काम करूं, तो क्या आपका भी सपना था? हाँ जी, मेरा बचपन से सपना था कि मैं पिक्चर लाइन में जाके काम करूँ। अच्छा, कुछ भी काम करूँ लेकिन फिल्म लाइन में काम करना था। मतलब कोई भी काम, लेकिन उसी में काम करना है। अच्छा, क्योंकि ये लाइन में ना मेरे को मेरा थोड़ा शौक है, थोड़ा अच्छा कपड़ा पहनूँ, अच्छा अच्छा ज़्यादा घूमूँ और पूरा गीत गुट में रहूँ। हाँ, अच्छा से रहूँ, तो इसी हिसाब से मैं सोच रहा था। लेकिन सोचना कुछ नहीं होता है, उसके लिए करना पड़ता है। घर से निकलोगे तब तो आगे मंजिल मिलेगा, निकलना पड़ता है। कहीं पे पहुँचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी है। बात सही है, एक नंबर का बात है भाई। ठीक है, किधर पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। वही तो हिसाब से आपका मतलब मुंबई में एंट्री कैसे हुआ ये बताइए। मैं पहले ये लाइन में आना चाहता था। हाँ, मैं हमेशा ना यूट्यूब वीडियो देखता था। अच्छा, कि कैसे जाऊँ, क्या करूँ, किधर रहूँ, ये सब देख रहा था। लेकिन धीरे धीरे कुछ वीडियो देखने के बाद मेरे को एक आदमी का चैनल मिला, यूट्यूब चैनल, भोजपुरी वान बोल के। रामा यादव का, राइट, वही चैनल मेरे को मिला। तो वो चैनल से मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिला कि कैसे जाना है, क्या करना है, क्योंकि वो सर भी, वो भी है ना, रामा यादव भी, वो कैमरा अटेंडेंस में काम कर रहे हैं, तो फिल्म लाइन में काम कर रहे हैं। तो वही बताते हैं कि मुंबई में जाए, कहाँ रहे, कैसे रहे, कैसे काम पकड़े, यही सब बताते हैं। तो आप उनसे मतलब ये सब सीख गए? हाँ, सीख गए। लेकिन मुंबई ऐसा सिटी है ना, किसका ऊपर भरोसा नहीं किया जाता। हाँ, ये तो बात सही है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं घर से 2 प्लान करके निकला था, प्लान ए, प्लान बी। मैं तो गांव में खेती बाड़ी करता हूँ। अच्छा, थोड़ा थोड़ा मेरे को वेल्डिंग का काम भी आ जाता है। वेल्डिंग? हाँ, क्या बात है, वेल्डिंग का काम भी आता है। हम तो किसान का बेटे हैं, चार खेती वगैरह करते हैं, कुछ भी करते हैं। 2022 फरवरी 5 को वहाँ से निकल गया। मतलब 2022 में वहाँ से निकल गए, मुंबई आ गए। मुंबई आ गया। लेकिन भाई, जब आप आए, जब आप मुंबई आए, तो आपका कोई जान पहचान का यहाँ पे था? इधर जान पहचान कोई नहीं था, बस हैदराबाद में जब था ना, जो भी मुंबई से हैदराबाद आ रहे थे शूटिंग के लिए, उनको बस ऐसी चीज़ पूछता था कि ओडिया वाला कोई है क्या। अच्छा, ओडिया वाला कोई है क्या। अच्छा, आप वहीं से पूछते थे जो भी जाता था उसके? हाँ, जो भी मेरे को मिलता था ओडिया वाला का नंबर मैं मांगता था। तो मेरे को एक दिन मिल ही गया कि ओडिया वाला का नंबर, 2-3 ओडिया वाला का नंबर मिला, लेकिन किधर काम नहीं बना। एक अभी मैं जो रूम पे हूँ उनका नंबर मिला, तो वो बोले ठीक है। क्या आप इनको जानते थे? नहीं, मैं जानते नहीं था। अच्छा, ऐसे नंबर को दिया कि हाँ, उनसे बात। हाँ, उनका दोस्त था शायद, वो मेरे को दिए।
तो उनके साथ बातचीत हुआ, वो बोले ठीक है मुंबई आ जा। तो मुंबई ऐसा जगह है ना, किसी का ऊपर भरोसा नहीं किया जाता है क्या करना है किधर काम करना है ये सब, मतलब काम का अंदर कुछ नहीं था, बस आ गया, बस मेरे को रहना मिल जाए खाना मिल जाए तो काम तो किधर ही किधर मिल जाएगा। दोस्तों एक मुंबई के बारे में बताया गया है कि मुंबई में आपको खाने के लिए मिल जाएगा, उसके बाद में काम मिल जाएगा, लेकिन रहने के लिए जगह नहीं मिलता है। तो वही भाई साहब का हाल था, इनको मतलब रहने के लिए जगह नहीं मिलता है, जगह मिल बाद में जगह मिला, जगह मिला आके ये रूम आके देखा चेक किया, उनके साथ बात किया, बात करने के बाद उनको एडवांस दिया कुछ पैसे, तो एडवांस देने के बाद तो मेरे को रूम तो मिल ही गया। अभी काम कर रहे हैं फिल्म लाइन में? हाँ अभी तो फिलहाल काम कर रहा हूँ, आज आउटडोर भी जा रहा हूँ आज। अच्छा नागपुर जा रहा हूँ। अच्छा एक बात बताइए, हाँ, सीरियस बात है, हाँ, कि मुंबई में आप आने के बाद में कभी रोए हो? नहीं रोया था एक दिन कि अपना ऑफिस में ऐसे, क्योंकि गाली वाली सुनने का आदत नहीं था, तो काम खराब होगा तो कोई भी गाली देता है, मुंबई में गाली कॉमन है, ये चीज़ दिमाग में रखने का, अगर काम खराब होगा तो गाली तो कंफर्म आता है, इसलिए गाली के पास एक दिन रो पड़ा था मैं, बस वही है। और काम अच्छा कभी खाने वाने में कोई दिक्कत हुआ? नहीं खाने वाने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर काम मिलता रहेगा ना खाने का कोई दिक्कत नहीं है, और फिल्म लाइन में अच्छा खासा काम मिल गया ना पैसा भी अच्छा खासा आ जाएगा। अभी कितना कमा लेते हैं? वही रोजाना 800, 1000, 1200, 1500 ऐसे। अच्छा मतलब महीने का 25-20 हज़ार? हाँ 20-25 हज़ार तो हो जाता है अगर काम सही से मिलेगा तो। काम नहीं मिलता है ना? काम अभी थोड़ा गणपति से पहले इतना काम नहीं मिल रहा था, अभी धीरे चल रहा था, अभी गणपति विसर्जन हो गया ना, गणपति चला गया तो अभी काम स्टार्ट हो गया है, अभी तो काम मिल रहा है। तो अभी तो भाई साहब एक महीने के लिए आउटडोर जा रहे हैं? हाँ। तो एक महीने में कितने कमा लोगे आप? एक महीने में वही हो जाएगा 26-27-30 हज़ार के आसपास हो जाएगा। मतलब एक महीने में 26-27 हज़ार रुपये कमा लेंगे। तो फिल्म इंडस्ट्री का यही है नियम कि आप लोग को हमेशा काम नहीं मिलेगा, मतलब काम मिलेगा जब काम चालू रहेगा तो उसमें आपको काम भी मिलेगा नहीं भी मिलेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। हाँ ना यही बात हाँ, है। हाँ यही बात है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि फिल्म लाइन में आना चाहता हूँ, हाँ तो क्या कहना चाहोगे भाई? फिल्म लाइन में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन बहुत मतलब दिक्कत झेलना पड़ता है आपको, क्योंकि हाँ शुरुआत में, क्योंकि आपका पास आपको पास कम से कम 15-20 हज़ार तो ऐसे कम से कम रहना चाहिए अपने हाथ में, अपना हाथ में रहना चाहिए, क्योंकि तुम आके तो किधर जान पहचान अगर नहीं होगा तो जान पहचान बढ़ाना पड़ेगा, रहने का रूम का रहने के लिए रूम ढूंढना पड़ेगा, खाना पीना रहना सब अपना जेब से करना पड़ेगा। काम मिलेगा, काम मिलने का एक महीना बाद भी आपको अपना जेब से ही करना पड़ेगा, क्योंकि तुरंत पैसा कहीं पे भी नहीं मिलता है। फिल्म लाइन में ये है कि 2-3 महीने के बाद मिलता है हाँ। पैसा यही बहुत दिक्कत है, क्योंकि आज काम करोगे 1-1.5 महीना बाद पैसा मिलता है। कहीं कहीं ऐसे हो जाता है कि तुरंत पैसा भी हाँ, मिल जाता है, 10 तारीख के अंदर पैसा मिल जाएगा आपको, लेकिन सीरियल में कम मिलता है। सीरियल में कम मिलता है, शुरू में 600-700-500 ऐसे में मिलेगा, फुल पर डे होगा। अगर मराठी सीरियल करोगे तो 800 रहेगा फुल पर डे, और हिंदी सीरियल करोगे तो 1000-1200 रहेगा पर डे। जो भी फिल्म लाइन का जो सीक्रेट बात था भाई साहब पूरा खोल के बता दिए, और आप लोग को मैं यही बताऊंगा। अच्छा एक बात बताइए, बिजनेस करना अच्छा है कि फिल्म लाइन में आना अच्छा है? नहीं अपना अपना मर्जी है, मैं भी ज़्यादा दिन नहीं रुकूंगा, मैं तो बहुत सारा मतलब जगह घूमा, बड़ा बड़ा आदमी को भी देखा, तो अभी मेरा शादी-वादी भी नहीं हुआ है, शादी-वादी करूँगा ना मैं मुंबई छोड़ दूंगा। अच्छा हमको बुलाओगे शादी? अरे क्या बात कर रहे यार तुम, नहीं अगर शादी नहीं करूँगा यार मेरी बिना शादी। तो भाई मेरे मुंबई का बहुत प्यारा दोस्त है भाई, बहुत दिन से हम लोग साथ में बहुत बहुत शूटिंग किए हैं, बड़ा वेब सीरीज साथ में हम लोग काम किए, तो आज आप लोग को भी मिलवा दिए। तो इस तरह के प्यारे प्यारे दोस्त हमारे काफ़ी सारे हैं मुंबई में, जो कि सब कोई से आपको मुलाकात कराते रहते हैं। और अभी तो भाई आपको अगर मुंबई आना है तो पहले ना आपको जान पहचान बढ़ाना पड़ेगा, अगर आपका मन में ठान लिया कि मेरे को जाना है तो आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला अपना बहुत हेल्प करता है, हम सोचते हैं ना ऊपर वाला कुछ नहीं कहते, लेकिन उसका हाथ में बहुत कुछ है, वो चाहे तो सब कुछ होता है,
मैं तो उनको भरोसा करके आ गया था। मेरा पास ना रहने के लिए जगह था, ना खाने के लिए पैसा था, कुछ नहीं था, ऐसे ही आ गया। बस वही मेरा हाल है। आप लोग कहीं आना है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि मुंबई कहीं भी कोई भी काम करना है तो उसमें रिस्क तो होता है भाई, रिस्क हाँ। तो लेना ही पड़ेगा भाई, रिस्क उठाना जरूरी है। रिस्क नहीं है तो लाइफ में, लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ है रिस्क। रिस्क लो फिर खेलो, देखो क्या आगे बढ़ेगा यार। जीरो से पूरा एक भी उड़ जाओगे, नहीं ऊपर रहोगे तो एक भी जीरो हो जाओगे, लेकिन रिस्क लेना चाहिए। बात है हाँ। तो ये नहीं कि तुम माउंटेन ड्यू पे के हिते रसन बन जाओ, रिस्क लेना है। लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सफलता मिलते मिलते बड़ा मिलता है ऐसा है। एक चीज़ क्या है, एक चीज़ अगर एक बार आपको काम मिल गया तो एक आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसका बाद मिलता रहेगा, क्योंकि जान पहचान बढ़ जाएगा। हाँ, एक बार आपको काम मिल गया तो हाँ, दस आदमी से तो जान दस पंद्रह आदमी को जान पहचान हो जाएगा, तो आपको धीरे धीरे बुलाते रहेंगे। नए नए में इतना काम नहीं मिलता है, क्योंकि हाँ, जान पहचान नहीं रहता है। सही बात है। अभी तो मेरे को बहुत सारे आदमी बुलाते हैं, मैं खुद ही ले जाता हूँ शूटिंग में, इनको अपने फोन से बुला के अभी मेरे बुलाता है। मैं बहुत सारे आदमी बुलाते हैं, भाई काम पे आ जाना, काम पे आ जाना। अभी भी दो दिन पहले मेरे को बोल रहा था सीरियन में फिक्स में रहने के लिए, वही 20-22 हज़ार मिलेगा फिक्स में रह जा। तो मेरे को तो घूमना है, मेरे को एक ही जगह में काम नहीं करना है, इसलिए मैं मुंबई आया। तो मेरे को घूमना है, मैं मना कर दिया। मैं कभी ज़रूरत पड़ेगा तो आऊँगा सीरियल करने के लिए, तो अभी नहीं फिक्स में नहीं रहने वाला हूँ। तो हाँ, आपको मतलब काम कैसे मिला? आप तो मुंबई में आ गए, हाँ, मान लीजिए इस रूम पे रह रहे हैं, हाँ, मुंबई में तो आ गया। आपको काम मिला कैसे? काम मिला, मैं मेरा जो रूम वाला है, रूम पार्टनर है, जो सब बुलाए थे, हाँ, उनका बेटा एक कंपनी में काम कर रहा था, लड़का, तो वो कंपनी में पहले गया। वहाँ जाकर 10-15 दिन ऑफिस में जाता था, वहाँ थोड़ा बहुत काम करता था, आ जाता था। अच्छा, मतलब ऑफिस में जाता था, आता था, जाता था, लेकिन काम नहीं मिलता, काम नहीं मिलता था। 15-20 दिन हो गया था, बताइए, 15-20 दिन हो गया था भाई साहब वहीं पे जाते थे आते थे, लेकिन काम नहीं मिलता, नहीं मिला। उसके बाद मेरे को एक कटक का आदमी मेरे को मिला, अपना रूम में आते थे बाबू भाई बोल के, तो उनका साथ जब जान पहचान हो ना, वो दूसरी ऑफिस में जाके लगाए मेरे को। वहाँ भी 5-6 दिन झेलना पड़ा, वहाँ भी 5-6 दिन गया, उसके बाद काम। हाँ, मैं मुंबई आया था, मार्च 6 तारीख को आया था, तो मेरे को नहीं सॉरी मैं फेब्रुअरी 6 तारीख को मुंबई आया था, मार्च 6 तारीख को मेरे को काम मिला। मतलब एक महीना तो मैं झेलता रहा, एक महीना बाद काम मिला। हाँ, एक महीना बाद मेरे को काम मिला, तुरंत काम नहीं मिला। और ऐसे भी ये काम मिलने के बाद 1-1.5 महीना के बाद मेरे को पैसा मिला, 1-1.5 महीने बाद पैसा। हाँ, तब तो मैं घर से भी पैसा मंगाया था घर से पैसा मंगाना पड़ा। हाँ, तो ये लाइन ही वैसा है कि आपको जैसे आज काम किया, आज भी पैसा नहीं मिलेगा, 10 दिन बाद मिलेगा, 15 दिन बाद मिलेगा, 1 महीने बाद मिलेगा, इस तरह से। हाँ, क्योंकि आते ही मेरे को ना बड़ा वेब सीरीज मिल गया था। अच्छा, वेब सीरीज कितना दिन की? मैं उसमें ना 17 दिन काम किया। 17 दिन देखिए, नहीं मिला तो नहीं, एक ही मिला तो 17 दिन कंटिन्यू 17 दिन काम किया मैंने। ये हो गया ना, लक खुल गया, भगवान है ना ऊपर वाले। मतलब हाँ, आप काम क्या करते हो? मैं लाइट मैन का काम, लाइट बॉय। तो ये भाई सब लाइट बॉय का काम करते हैं, लाइट मैन जिसको वही करना पड़ा। तो अभी सुखी हैं, खुशी हैं? हाँ, अभी तो खुशी, लेकिन अच्छा काम मिल जाए बस, और कोई दिक्कत नहीं है। काम तो ऐसे चलता रहेगा, ऐसे सुख दुख तो आता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन तो थोड़ा काम मिल जाए तो अच्छा ढंग से। अभी लेकिन भगवान की कृपा से मिल ही गया, अभी 1 महीने का आउटडोर में जा रहा हूँ, वहाँ से आऊँगा, वहाँ से आने के बाद क्या होता है देखते। फिर मैं इसमें फायरमैन में दाखिला भी दिया हूँ, उसका अगर एग्जाम निकलेगा तो मैं जाके फायरमैन का एग्जाम भी देके आऊँ। फायरमैन तो भी पढ़ाई भी करते हैं? हाँ, पढ़ाई भी करता हूँ, ऐसे नहीं कि मैं बेकार हूँ। लाइट मैन का काम करता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं अनपढ़ गवार हूँ, मैं पढ़ाई भी करता हूँ। ये लाइन है, इसमें पढ़ाई लिखाई करना अच्छी बात है, और उसके बाद में पढ़े लिखे हैं उनको ही जल्दी काम मिलेगा, क्योंकि अभी ऐसा ऐसा लाइट आ रहा है, अधिकतर मोबाइल भी चलने वाला, अधिकतर मतलब कुछ अलग अलग सिस्टम से चलने वाला। अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल भी चलता है, मोबाइल नहीं चल रहा है अभी। मतलब अनपढ़ गवार काम करते ही है, लेकिन वो फील्ड में इतना नहीं है। जो पढ़ाई लिखाई जो थोड़ा दिमाग वाला होता है ना, उनको ज्ञान रहता है, तो मोबाइल में सबका मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। हर लाइट का अभी
वाईफाई कनेक्शन। हाँ, ये भाई जैसे करते हैं एफटी, और उनसे ज़्यादा मेरे को क्या पता, वो तो सीनियर है, मैं जूनियर हूँ। अरे नहीं यार, वो पहले आए फिल्म इंडस्ट्री में, मैं तो बाद में आया हूँ। तो ये है भाई हम लोग का मुंबई का सफ़र। भाई साहब ने अपना पूरा सफ़र बताया और कैसे कैसे आए थे सब बताए। भाई एक चीज़ है, आपका मन में अगर ठान लेना है कि जाना है तो जा सकते हो, क्योंकि अगर घर बैठा रहोगे तो कुछ नहीं होगा, उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा और काम के लिए निकलना पड़ेगा, तब जाके काम मिलेगा। और रूम में बैठ बैठ के यूट्यूब देख देख के आपको घर से कोई फ़ोन करके बताएगा, बुलाएगा नहीं कि मुंबई आ जाओ मैं काम दिला लूँगा, ऐसे होता है। लेकिन जान पहचान वाला रहेगा तो, अगर मेरा जैसा जान पहचान वाला कोई नहीं रहेगा तो आपको ही खुद करना पड़ेगा। और दोस्तों बहुत लोग हमको बोलते हैं कमेंट में कि भाई हमको रूम चाहिए, रूम दिला दो। भाई आओगे मुंबई तब तो मैं दिलाऊंगा क्या। हाँ, यहाँ पे आप आओगे तभी तो। अब रूम घर से ही बोलोगे कि भाई जय भाई हमको रूम चाहिए, रूम दिला दो, काम चाहिए काम दिला दो, मुंबई आओगे तब तो भाई, घर से थोड़ी मिलता है काम चाहे रूम। कहीं भी आओगे निकलोगे तभी आपको कुछ मिलेगा। तो पहले घर से निकलो उसके बाद इधर आ जाओ, आने के बाद कोई आपको मतलब मदद करेगा ना करेगा वो अलग बात है। ऊपर वाला मदद करेगा, हम नहीं करेंगे ऊपर वाला करेगा। हाँ, तो दोस्तों ये है पूरा हमारी वीडियो, कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर कमेंट कीजिएगा एक बार, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा। तो दोस्तों भाई साहब से आप लोग को बात करके कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये प्यारा सा इनके लिए लाइक कर दीजिएगा। तो नमस्ते, अगर मेरा उड़ीसा वाला कोई देख रहा है तो भाई को बहुत सपोर्ट करो, और भाई कैसे आगे जाए तुम्हारा मदद करे। हाँ, बस आपको लिए, आप लोग के लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ कि हाँ यहाँ पे किस तरह से क्या क्या है, कैसा रूम मिलेगा आप लोग अगर आना चाहते हो, या कहीं भी कोई भी रिस्क लेना चाहते हो, तो उस तरह से मैं स्ट्रगल लाइफ दिखाता हूँ और बहुत सारी ऐसी जानकारी देते रहता हूँ। तो आप लोग हमारी वीडियो में हमेशा बने रहिएगा, तभी आप कुछ सीख पाएंगे या कहीं जाना चाहते हैं तो जा पाएंगे।